press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दिल्ली चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस के नेताओं के बीच एक दूसरे पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। एक और दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे और पार्टी नेता संदीप दीक्षित ने प्रभारी पीसी चाको पर शीला दीक्षित के नाम और उनकी विरासत की अनदेखी करने का आरोप लगाया, तो पीसी चाको ने पलटवार करते हुए बयान दे दिया कि दिल्ली में कांग्रेस की हालत शीला दीक्षित के ही जमाने से आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब पार्टी की हार पर पार्टी नेतृत्व ने चाबुक चलाया है और राज्य के प्रभारी पीसी चाको और राज्य इकाई के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा दोनों के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिए हैं। पार्टी नेता शक्ति सिंह गोहिल को फिलहाल दिल्ली के अंतरिम प्रभारी बनाया गया है। इस बार फरवरी के पहले हफ्ते में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी कुछ क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित किया था, उसके बावजूद पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। एक दिन पहले ही दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता के बीच एक साथ कांग्रेस को दिल्ली में फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत करने की सुनाई दे रहे थे, मगर एक दिन बाद ही पार्टी आला कमान ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।